नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है निधि भंडारी और आप देख रहे हैं दी ऑट्री। फिनटेक कंपनी भारत पे ने से संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक अश्विनी ग्रोवर की पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में बर्खास्त करने के साथ उनके पास के ईएसओपी को भी रद्द कर दिया है। सूत्रों ने कहा कि माधुरी पर पर्सनल ब्यूटी ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की खरीद और अमेरिका एवं दुबई की पारिवारिक यात्रा के लिए कंपनी के कोष का इस्तेमाल करने का आरोप है। इसके अलावा कथित तौर पर माधुरी ने अपनी निजी स्टाफ को भुगतान भी कंपनी के खातों से किया और परिचित लोगों से फर्जी रसीदें बनवाकर उन्हें पेश की। इस बारे में ईमेल पर संपर्क किए जाने पर माधुरी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। भारत पे के प्रवक्ता ने माधुरी की बर्खास्तगी की पुष्टि करते हुए कहा, हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि माधुरी जैन ग्रोवर की सेवाएं खत्म की जा चुकी है, लेकिन प्रवक्ता ने इस बर्खास्तगी की वजह नहीं बताई। सूत्रों के मुताबिक माधुरी के खिलाफ कार्यवाही कंपनी के कामकाज की बाहरी एजेंसी द्वारा समीक्षा किए जाने के बाद की गई है। इस दौरान माधुरी के पास मौजूदा शेयरों को भी निरस्त करने का फैसला लिया गया है। माधुरी के पति अश्विनी ग्रोवर को भी कोटक महिंद्रा बैंक के एक कर्मचारी के साथ अभद्र भाषा के इस्तेमाल की जानकारी सामने आने के बाद 3 महीने की छुट्टी पर भेज दिया गया है। हालांकि उन्होंने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। ऐसी ही और खबरें जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल दी ऑट्री पर।